आप सभी को मेरा नमस्कार। जॉबलेसनेस, जॉब्स का कम होना, फ्यूचर का इनसिक्योर होना, पैसे की कमी होना, आगे काम कैसे चलेगा, अगर फ्यूचर में ईएमआईज नहीं गई तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। आजकल हम इन्हीं उधेड़बुन से, इन्हीं वरीज से हम लगातार डील कर रहे हैं, और स्पेशली हमारा यूथ इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है। कोविड-19 कंडीशन के अंदर हम इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं, उनमें से एक चीज है जॉबलेसनेस एंड जॉब इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों को कंपनी से शायद निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनीज भी अपने इकोनॉमिक क्रंच की वजह से, बैलेंस करने की वजह से अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को लोगों को निकाल रही है, और इससे हमारे पास एक असुरक्षा की भावना क्रिएट हो रही है कि अगर नहीं बची जॉब तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ फ्यूचर सेफ तो कहां से भरेंगे ईएमआईस। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने एटीट्यूड से पैसा कमाते हैं। लोगों का पैसा कमाने के लिए उनका खाली हार्डवर्क जरूरी नहीं होता, उनका एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, पैसे के प्रति भी और अपने काम के प्रति भी। अगर हम इस एटीट्यूड को मिस कर देते हैं तो ना केवल हमारा पैसा कम होगा, हमारे फर्दर जितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं फ्यूचर में वो भी कम हो जाती हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा एटीट्यूड मेंटेन रहे, या पैसे के प्रति हमारा जो रुझान है वो बना रहे, या हमारा एटीट्यूड बना रहे। कुछ बातें मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताई थी कि आप प्राणायाम करें, आप ब्रीदिंग करें, जिनसे कि आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। सुबह जल्दी उठें, रात को देर तक सोएं नहीं, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं और मैंने बताया कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका एक मेंटल, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होने में हेल्प मिलती है, डिसिप्लिन ऑफ माइंड क्रिएटेड रहता है, जिससे कि आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं होती, और वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में जीतने के लिए। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीमिलियनर्स हैं जो कि इस रूटीन को फॉलो करते हैं, जबकि उनके बैंक बैलेंस में अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिटेड है। उन्हें तो कोई जल्दी उठने का फायदा नहीं है, वो तो आराम से उठ सकते हैं, वो जब चाहे तब उठ सकते हैं। वे क्यों सुबह जल्दी उठ रहे हैं, वो क्यों डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों इन थॉट प्रोसेस को, इस पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलते हैं, प्राणायाम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एक अच्छी सोच एक अच्छे माइंड को जन्म देती है, और अच्छा माइंड आपको पैसे में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, फिजिकल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, हर तरीके से संपन्न कर सकता है। बात यह है इस माइंड को क्रिएट कैसे करा जाए और किन बातों को अवॉइड करा जाए। दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे सामने है वो है, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते और लगातार कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर आपको अपना व्यवहार ठीक करना है, अपनी जॉब की सिक्योरिटी बनानी है, तो उसके लिए पहले अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, इस डिसिप्लिन के लिए पहली चीज आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जैसे भी हैं आप, जिस भी स्टेट में हैं, अपने आप से आंखों से आंखें मिलाइए, अपने आप की इनसिक्योरिटी से डरिए मत। जो भी कुछ होगा आप फेस करेंगे, और आपके साथ सिर्फ आप ही होंगे। हो सकता है कुछ फैमिली कंट्रीब्यूट करें, कुछ साथ में आपके लोग कंट्रीब्यूट करें, फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करें, बट वो एक लेवल तक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अंततः आप ही होंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे होंगे। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, चाहे कुछ भी होगा मैं अपने साथ हूं, मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस भावना के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं, नई नई पॉसिबिलिटी क्रिएट होनी शुरू होती है। ब्रीदिंग करते रहिएगा, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्जाइटी जितनी क्रिएट होती है उसका बेसिक कारण है कि हम अपने ब्रेन का और अपनी नोज का कनेक्शन लूज करते चले जाते हैं। आप अगर ब्रीदिंग करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे, आपको जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगा, चाहे कुछ भी आसपास होता रहे, आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा लेंगे। दुनिया यही रहेगी पर आप बदल चुके होंगे, जमाना यही रहेगा, आपके अंदर चेंज आ जाएगा। और एक गलती जो सभी करते हैं स्ट्रेस में आने के बाद में, कि बेमतलब के लोगों से बात करना शुरू करते हैं, हर वक्त बात करना शुरू करते हैं, चाहे वो इनर चैट हो चाहे वो एक्सटर्नल चैट हो। यार मेरे साथ ये हो गया, मम्मी मेरे साथ ये हो गया, पापा मेरे साथ ये हो गया, इन सब बातों से थोड़े दिन बचाइए अपने आप को। इतना ज्यादा बोलेंगे तो आपकी ब्रेन की एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी मेंटल एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाएगी, आपको बॉडी में भी थकान फील होगी, क्योंकि बॉडी ब्रेन से गवर्न होती है। जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को स्टैटिक करेंगे, स्टेबल करेंगे,
जंक फूड मत खाइए, ओवर ईटिंग मत कीजिए, स्ट्रेस ईटिंग रोक दीजिए, याद दिलाइए अपने आपको कि मेरी बॉडी पहले है, मैं पहले हूं, ये कंडीशन पहले नहीं है, ये कंडीशन कल नहीं रहेगी, बट अगर मैं ही नहीं रहा तो इस कंडीशन से डील कौन करेगा। कोई भी सिचुएशन हमारे अपने आप से भारी नहीं हो सकती, इतनी मुसीबत नहीं आ सकती कि हम अपने आप को दांव पे लगा दें। कुछ लोग मुझसे बच्चे बात कर रहे थे कि सर सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन करता है। आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है, इतना मोल सस्ता कर दिया जिंदगी का कि एक सिचुएशन जो कि जॉब से रिलेटेड है या किसी ने कुछ कह दिया या कहीं कोई चीज हो गई उसके लिए अपने आप को दांव पे लगा देंगे। इतनी बहुमूल्य जिंदगी, इतनी प्रेशियस लाइफ को आप दांव पे लगा देंगे। लोग बहुत चीजें कर सकते हैं इस वक्त, रनिंग कर सकते हैं, घर के अंदर रह के आप स्टैटिक रनिंग कर सकते हैं, एक जगह खड़े होकर आप दौड़ सकते हैं, आप कुक कर सकते हैं, प्लांट्स के पास बैठ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़ के फोकस कर सकते हैं अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, पॉजिटिविटी और बढ़ सकते हैं। इन सब चीजों को यूज करके आप फिर से अट्रैक्ट आ जाएंगे, जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी का सारा पीरियड बनेगा आप फिर से अपना काम कर सकेंगे। आपने अगर ये गलत फेज में जाना शुरू कर दिया, आपने गलत मेंटेलिटी में जाना शुरू कर दिया, आप जिंदगी भर के लिए कमजोर इंसान बन के रह जाएंगे। आज अगर सिचुएशन को जीत लिया तो कल कुछ भी होगा, अच्छा हो बुरा हो, आप स्टेबल रहेंगे। और एक बात, अगर आज आपने नियंत्रण खो दिया, डिसिप्लिन खो दिया, दिमाग को बह जाने दिया, कल को जब जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसे भी अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो दिमाग है, इसे एक पैटर्न पे चलना आता है। आप पैटर्न मिस करते ही उस जॉब को भी आगे खो देंगे। तो मेरा यह अनुरोध है कि इन सब चीजों को, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए पहले एक्सेप्टेंस करें अपने आप से, अपने आप की एक्सेप्टेंस करें कि कोई बात नहीं, मैं डर रहा हूं, कोई बात नहीं, पर मैं अपना सपोर्ट करूंगा, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, मुझे अपने आप को पुश करके इस कंडीशन से बाहर निकालना है। नेगेटिव अफर्मेशंस ना करें, जितना मुंह से नेगेटिव उच्चारण करेंगे उतना ही नेगेटिविटी आपके ऊपर आती जाएगी। और जैसा बोलते हैं, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं कि सरस्वती आपकी जिह्वा पे रहती है, दिन में कहते हैं एक बार आपकी सरस्वती जिह्वा पे जरूर आती है। जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे उतनी ही वो चीज आपके अंदर आती जाएगी, आप उसे अट्रैक्ट कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको पानी है, आप उसे यूनिवर्स से खींच सकते हैं अपनी अफर्मेशन पे काम करके। कृपया इन सब चीजों को फॉलो करें, आपको बेहद लाभ होगा।